गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एंगेजमेंट मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो इस लुक को मैंने क्रिएट किया है, आई होप आप लोगों को ये मेकअप पसंद आएगा। और कैसा लगा आपको मेकअप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए। सो इस लुक को मैंने क्रिएट किया है। अगर आप अपने एंगेजमेंट का मेकअप खुद से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस लुक को मैंने किया है, तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं कलर बार का मेकअप प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने टी जोन पर, और सी टी एम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मैं वीडियो में शो नहीं कर रही हूँ। बट आप पहले सी टी एम करें, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें। और ये जो प्राइमर है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, आपके पोर्स को भी फिल कर देता है, बहुत अच्छा प्राइमर है। तो इस मेकअप के लिए, एंगेजमेंट मेकअप है तो इसके लिए ये प्राइमर जो है वो बेस्ट है, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया है। देन हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई मेकअप के लिए एलेगर्ल का कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड्स पर, क्योंकि हम लोगों को आई शेडो के लिए एक बेस चाहिए। अगर आपके पास आई शेडो बेस है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मॉर्फी का जैकलिन हिल पैलेट मैंने यूज़ किया है, और इसमें से एक रेडिश ब्राउन शेड लेकर मैं अपने क्रीज लाइन के वहाँ पर ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लूँगी। ये मेरा ट्रांजिशन शेड होगा, तो इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, और इसके थ्रू मैं अपने क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी। तो इसको भी हम लोगों को अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है। आई शेडोज जो है उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो हार्श लाइन है वो दिखेंगी। तो अच्छी तरह से हम लोगों को ब्लेंड करना है इसको। उसके बाद एक गोल्डन लिक्विड आई शेडो मैं अपने पूरे आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, और इसका शायद नेम फैशन फॉरएवर ऐसा कुछ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ करूँगी, सारे नेम्स एंड शेड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसको पूरे आईलिड्स पर मैं अप्लाई कर लूँगी, और इसको अप्लाई करके आपको इसको सेट होने देना है, अदरवाइज़ लाइन्स बन जाएंगे आपके आई शेडो में। देन मैं यहाँ पर अपने जो क्रीज लाइन है उसको अगेन डिफाइन कर रही हूँ, जिससे कि ये जो आई शेडो है उसमें कोई हार्श लाइन नहीं दिखेगी। देन मैं सेम ब्राउन एंड रेडिश ब्राउन शेड अपने लोअर लैश लाइन के पास भी स्मज कर रही हूँ। उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो लैक्मे का एब्सोल्यूट लाइनर है, ये बहुत अच्छा लाइनर है, विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है इससे। तो लाइनर मैं अप्लाई कर लूँगी, विंग लाइनर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ, और मैं फॉल्सेस भी अप्लाई करूँगी, बट वो मैं लास्ट में करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मैबेलिन का दी हाइपर कर्ल मस्करा है, बहुत अच्छा मस्करा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अपने आईलैशेस पर मैं मस्करा अप्लाई कर लूँगी। देन मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो आईब्रोज़ फिल करने के लिए यहाँ पर मैं मेस्क्लेयर का आईब्रो केक यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। इससे आईब्रोज़ बहुत अच्छे से फील हो जाती हैं, इसमें ब्रश और स्पूली भी आता है, तो आप बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं एक कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को क्लीन कर लूँगी, जिससे जो आईब्रोज़ हैं वो और भी शार्प और अच्छी लगेंगी। तो आईब्रोज़ कैसे फिल करते हैं, कंसीलर कैसे अप्लाई करते हैं, आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। मेकअप बेसिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी उनका, तो अगर आपको देखना है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। देन मैं यहाँ पर बेस मेकअप कर रही हूँ, और आईब्रोज़ को मैंने क्लीन कर लिया है कंसीलर की हेल्प से, और जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, और जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहाँ पर मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। और इसको हम लोग अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, स्पॉन्ज की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आपको बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिलता है स्पॉन्ज से, तो स्पॉन्ज से ही ब्लेंड कीजिए। अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, और पी ए सी का फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, पैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरी फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लूँगी। नेक आपका ओपन रहता है तो आपको नेक पर भी अप्लाई करना है, और कानों पर भी आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपके फेस का कलर और नेक का कलर, कानों का कलर अलग अलग लगेगा, इसलिए आपको फाउंडेशन जो है वो नेक पर, फेस पर और कानों पर भी अप्लाई करना है।
तो अच्छी तरह से इसको भी ब्लेंड करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी। ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है, अदरवाइज़ आपका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा। और फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ नहीं किया है तो मेकअप ब्लेंडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। तो अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ कीजिए, अच्छे से ब्लेंड कीजिए, जिससे जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस लगता है। देन मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने क्राइलॉन सुप्रा कलर का शेड नंबर NG1 लिया है। शेड नंबर NG1 है शायद, ये मुझे याद नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके थ्रू मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी। कॉन्टोर आपको अपने फेस को शार्प दिखाने के लिए करना है, और आपको ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, इसलिए हम लोग क्रीम कॉन्टर भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग पाउडर कॉन्टर भी बाद में यूज़ करेंगे, बट लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए आपको क्रीम प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना है। तो मैं अपने कॉन्टोर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हार्श लाइन इसमें दिखेंगी। तो अपने नोज़ पर और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर किया है हम लोग अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लूँगी। क्रीम प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिए हैं, इसके बाद हम लोगों को कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। तो अभी मैं अपने बेस मेकअप को सेट कर लूँगी। लॉरियल का मैंने यहाँ पर मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है बेस मेकअप को सेट करने के लिए। देन हम लोग पाउडर कॉन्टर भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टर पैलेट यूज़ किया है, बहुत अच्छा पैलेट है ये, बहुत सारे शेड्स है इसमें। आपको इसमें सेटिंग के लिए शेड्स भी मिल जाते हैं, मेकअप सेट करने के लिए, कॉन्टोरिंग के लिए भी शेड हैं। तो मैं यहाँ पर उसकी हेल्प से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, मतलब जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कॉन्टर यूज़ किया है वहीं पर पाउडर कॉन्टर भी हमको यूज़ करना है। देन मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का ही ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। एक लाइट पिंक शेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, पीच शेड है वो, तो मैंने उसके थ्रू ब्लश को अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, तो सेम मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ही हाइलाइटर लिया है, बहुत अच्छा पैलेट है ये भी, इसमें भी बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं। तो इसके थ्रू अपने फेस को मैं हाईलाइट कर लूँगी, और ब्राउ बोन को और आइज़ के इनर कॉर्नर्स को अप्लाई करना, इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने फेस को इसके थ्रू हाईलाइट कर लिया है। देन मैं मेकअप रेवोल्यूशन के मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी, और उसके बाद एक स्पॉन्ज की हेल्प से डैप डैप करते हुए इस तरह से हम अपने फेस पर स्पॉन्ज को डैप कर लेंगे, जिससे जो भी एक्सेस मेकअप होगा वो स्पॉन्ज में आ जाएगा। देन मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ही प्यारा ऑरेंज टोन का रेड शेड है, और शेड बहुत प्यारा है और बहुत लाइट है ये लिपस्टिक, आपको बिल्कुल भी लिप्स पर लगेगा नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया है। तो बहुत अच्छा शेड है, आपको इसका शेड और नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ मेरा मेकअप यहाँ पर फिनिश होता है। मैंने जो ज्वेलरी है वो वियर कर ली है, हेयर स्टाइल बना ली है, और जो ड्रेस है वो मैंने यहाँ पर पहन ली है, एंड ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। कैसा लगा आपको ये मेकअप, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेकअप पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, एंड बाय बाय।